देखिए एक बार समझिए इसको, ये एक बिंदु x1y1 है और दूसरा बिंदु x2y2 है। अगर दो बिंदुओं को हम मिलाएं तो एक रेखाखंड आता है। इस रेखाखंड के बीच की दूरी निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग होता है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है और ये सूत्र क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालता है। कैसे सूत्र लिखते हैं, वर्गमूल लगाइए, एक बिंदु के x में से दूसरे बिंदु का x हटा दीजिए, x2 - x1, ये हमने बस 2 इसलिए लगा दिया, दूसरा बिंदु x1 पहला बिंदु, और x का मतलब x, पहले x ही लिखा होता है, तो पहले x में से x हटाइए 1 प्लस, फिर बाद वाला दूसरा जो बिंदु दे रखा है उसके ये दूसरा बिंदु दे रखा है, ये भी y निर्देशांक है, ये भी y, y में से y हटाइए उसका 1। तो इस तरह से पहले का और सूत्र गया। सवाल नंबर 10 आपको दे रखा है प्रश्न वाले 7.1 का कि एक बिंदु एक्स वाई दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ, मतलब सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूर, इस मतलब स्थिर। तो एक बिंदु P दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित, इस शब्दावली का अर्थ क्या हुआ, पहले तो बिंदु ये लिखा, यानी इसकी दूरी के बराबर। दूरी कैसे निकलती है, वर्गमूल इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, इसके x में से इसके x हटाकर वर्ग कर दो, प्लस इसके y में से इसका y हटाकर वर्ग कर दो, बीच में प्लस का निशान, ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलनी है। अब इन दोनों के बीच की निकालनी है p और b, तो वर्गमूल ऐसा जरूरी नहीं है इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, किसी में से भी कोई भी घटा सकते हो, आपका उत्तर सही आएगा। तो इसमें हमने यहाँ -3 में से x घटा लिया, इसके x में से इसका x घटाया, प्लस इसके x में से इसका, ये ध्यान रखना है कि जिस बिंदु के x में से पहले बिंदु का x घटाया जाएगा उसी के y में से दूसरे बिंदु का y, ऐसा नहीं करोगे इसे x से घटा दिया फिर इसका y से घटा दिया, ये ध्यान रखो क्रम दोनों का वर्ग कर लिया। अब ये वर्ग करने के बाद ये स्थिति आ गई, इसको मैं एक और तरीके से हल कर सकता था, a + b का वर्ग आपको सुना होगा, a + b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग + b का वर्ग + और आपका सवाल वर्ग करके तीन पद यहाँ से आते, तीन यहाँ से आते, छह इधर पद होते, और तीन यहाँ से आते, छह पद इधर, फिर सारे पदों को एक तरफ लेके जाते, कुछ कटते कुछ बचते, कुल मिला के आपके पास ये सीधा आंसर आया। हमने एक अलग पद्धति अपनाई है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप वैसे भी करके देखिएगा, एक सवाल अगर दो तरीके से हो रहा है तो आप अपनी कॉपी में उसे दो तरीके से करिए, लिख दीजिए मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा भी चलो x वाले एक तरफ जाओ y वाले एक तरफ, ये प्लस का था इधर का माइनस का हो गया और ये प्लस का था ये इधर का माइनस। अब ये हम देख रहे हैं दो वर्गों का अंतर बन गया, यदि और एक सूत्र होता है a का वर्ग - b का वर्ग क्या होता है a - b × a + b, तो दो वर्गों का अंतर है, इसको a मान लो और इसे b, तो एक बार इसमें से ये घटा दो और एक बार इसमें से ये जोड़ दो और दोनों को गुणा कर दो, तो इसमें से देखिए ये घटाया गुणा इसमें ये जोड़ दिया इस वाले से बराबर, ऐसे ही है यहाँ दो वर्गों का अंतर बन रहा है, इसमें से ये घटा है, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा रहे हैं प्लस के बाद ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, इसके पीछे भी एक कारण है, माइनस के बाद जो कुछ भी लिखते हैं उसके निशान बदल जाते हैं, या तो आप निशान बदल के लिखिए नहीं तो याद रख लीजिए माइनस के बाद अगर एक से अधिक पद हैं, दो पद तीन पद हैं, तो वो हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में निशान बदलेंगे, तो हमने ये ब्रैकेट में लिखा है और फिर निशान बदला है, माइनस माइनस प्लस ऐसे यहाँ बदला देखो माइनस 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 ये हल हो गई, इसको आपने हल कर लिया, और हल करने के बाद आपको ये स्थिति आ गई, तो उसने यही कहा था कि एक्स और वाई में प्रतिबंध याद कीजिए, ठीक है। इसमें जो नंबर आपके एग्जाम में होते हैं पहले सूत्र लगाने के होते हैं, पहले तो ये पहचानने का नंबर होगा, सूत्र लगाने का नंबर होगा, फिर हल करने का नंबर होगा, उत्तर का नंबर, अगर उत्तर गलत है आपको तीन स्टेप सही है, तो स्टेप मार्किंग से आपको दो में से एक नंबर 100% मिलेगा, इसीलिए आप सवाल को करें जरूर एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आता तो आपने उसे छोड़ दिया, आपको सूत्र आता है सूत्र लिखिए सूत्र लगाइए, हो सकता है हल हो जाए, और अगर उत्तर गलत भी आता है फिर भी आपको नंबर स्टैम्प मार्किंग के दिए जाते हैं, ठीक है। अक्सर कॉपी चेक करते हुए हमने देखा है कि बच्चे सवाल हल ही नहीं करते, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करने जितने भी एग्जाम में आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल ये है
छटा का पहला पार्ट उसने कहा कि चार बिंदु दिए हैं, इन चार बिंदुओं को जोड़ने एक चतुर्भुज बनता है, आपको ये बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो पहले तो हमने सवाल को अपने चित्र के रूप में व्यक्त किया। सवाल सीधे हल नहीं होता कभी, सवाल को समझना पड़ता है, समझने के लिए उसका चित्रात्मक निरूपण करना पड़ता है। तो हमने पहले चार बिंदु दिए थे, तो हमने चतुर्भुज बनाकर और नाम लिख दिए ABCD और बिंदु लिख दिए। फिर क्या किया, बता रहा किस प्रकार का चतुर्भुज है। किस प्रकार का ये तो पता तभी लग सकता है जब हम उसकी सब भुजाएं निकाल लें, और भुजाएं निकालने के लिए ये भुजा निकालेंगे तो 15 सूत्र लगाना पड़ेगा दूरी का सूत्र। तो पहले हमने AB भुजा निकाली, वर्गमूल AB, इसके x में से इसका x हटाया वर्ग प्लस इसके y में से इसका y हटाकर, ऐसे ही हमने चारों भुजाएं निकाली। चारों भुजाएं हम देख रहे हैं यहाँ बराबर आ गई, तो चारों भुजाएं बराबर आई इसका मतलब ये वर्ग भी हो सकता है और सब चतुर्भुज भी। अब क्या करें, फिर हमने इनके विकर्ण भी निकाले, AC और BD, या देखिए BD भी निकला है और AC भी। निकालना कोई बड़ी बात नहीं, दूरी का सूत्र लगना है। AC क्या होगा, X2 माइनस X1, देखिए X2 यानी -1 -1 का वर्ग प्लस Y2 -Y1 यानी 2 -2 लिखेंगे, हल कर लेंगे। हल करने के बाद हम देख रहे हैं कि विकर्ण भी इनके बराबर आ रहे हैं, AC और BD दोनों चार चार आए हैं, इसका मतलब इसकी भुजाएं भी बराबर हैं, इसके विकर्ण भी बराबर है, इसलिए ये क्या होगा, ये वर्ग। ऐसे सवाल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण बराबर होंगे तो आयत, आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर। और एक स्थिति और बन सकती है, ये दो भुजाएं बराबर हो जाए और ये भुजाएं इसके बराबर, आमने सामने बराबर नहीं है, एक कोने से दो भुजाएं बराबर है और ये, इसे काइट कहते हैं, पतंग, ठीक है। तो इसको आप नोट करें।